नमस्कार दोस्तों, ये आफ्टरनून अपडेट है और भाई मार्केट ठुका है ऊपर से जबरदस्त। ठीक है, जबरदस्त। और आप देखिए, जो चीज मैंने आपके साथ वीकेंड पे शेयर की थी कि परसेंटेज ऑफ फॉल बैंक निफ्टी का हमेशा ज्यादा होगा निफ्टी से, व्हेन एवर मार्केट विल फॉल, तो डबल है। ठीक है, निफ्टी का परसेंटेज 0.90% है और बैंक निफ्टी का परसेंटेज 1.8 अबव है, तो उससे डबल क्वांटिटी में ठुका है बैंक निफ्टी, उससे डबल स्पीड में ठुका है बैंक निफ्टी। ठीक है, चलिए अब। और टेलीग्राम पे अगर आप नहीं है तो यू आर डूइंग द बिगेस्ट मिस्टेक। जैसे ही मार्केट रिवर्स हुआ हमने भी मार्केट को ठोका है। ठीक है, बैंक निफ्टी बिलो 45900, रजिस्टेंस इज 125 130 पॉइंट। यूनिवर्सल एसएल रहता है 100 से 125 पॉइंट, 150 पॉइंट, इससे ऊपर का एसएल नहीं है बैंक निफ्टी में। जब भी आप पोजीशन लेना, बैंक निफ्टी हैज शोन 45,200 पॉइंट्स। ठीक है, अपना सपोर्ट टूटा है तब सेल किया है भाई। निफ्टी में 725 टूटा था, बाय किया था, 700 का एसएल हिट हुआ और उसके नीचे सेल ही किया है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये रहा 21,550 पे निफ्टी का सेल लिया है, ऊपर से सेल नहीं लिया भाई। ये मेंबर्स के साथ के ट्रेड है और 21,350 के आसपास आपको दिख जाएगा। मैं आप मार्केट को लेके आपके साथ इम्पोर्टेंट चर्चा कर लेता हूँ। देखिए, मुझे जो लगता है सबसे पहली चीज आज के दिन की, अभी अगले 1-2 घंटे में जो आपको देखनी है, क्या हमको 450 के नीचे क्लोजिंग मिलती है? क्या बोला मैंने? क्या हमको 450 के नीचे क्लोजिंग मिलती है कि नहीं, वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि वो एक सपोर्ट का लेवल है। ये नोट करना है ये। और दूसरा, मुझे ऐसा लगता है मार्केट 3ों दिन फॉल करेगा, आज भी फॉल करेगा, कल भी फॉल करेगा, परसों भी फॉल करेगा। अब उसमें कंडीशन क्या अप्लाई है? पहला, 450 के नीचे आज क्लोज नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपको एक बार कंप्लीट एग्जिट लेना है 21,300 पे, उसके नीचे फ्रेश सेल पोजीशन 21,250 बिलो है। सुनिए जरा मेरी वीडियो को ध्यान से, आपको कंप्लीट एग्जिट लेना है 21,300 के आसपास, उसके नीचे फ्रेश सेल पोजीशन बनानी है 21,250 के बिलो, विद एसएल 21,325, विद एसएल 21,320। चलते मार्केट में बता रहा हूँ दोस्तों, तो कुछ कलेजा जिगर होगा तो ही बता रहा हूँ। 25-50 पॉइंट प्रॉफिट बुक करते चलिए, नई पोजीशन बनाते चलिए फर्दर लेवल टूटने के बाद। तो 21,250 टूटना जरूरी है, तब आप 325 के एसएल के साथ दोबारा से ठोकिए। टारगेट जो बनेंगे, सबसे पहला तो ये वाला लो 21,100। ठीक है, और दूसरा टारगेट बनेगा ये 975, 20,975, ये किधर आता है? हाँ, 980, 975 मेरे ख्याल में ट्रिगर नहीं होगा, 980। इन केस 20,975 भी, मैं बहुत आगे का बता रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ देख रहा हूँ मार्केट में, वो भी ट्रिगर होता है, तो बी रेडी टू सी 21,800, 20,800 बिलो, 20,800 बिलो। सेलिंग कंटिन्यू रहेगी टिल थर्सडे, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, आज की कंडीशन क्या है? 450 के ऊपर क्लोज नहीं आना चाहिए, कैरी फॉरवर्ड एवर पोजीशन। फर्दर सेलिंग की कंडीशन क्या है? 250 टूटना चाहिए, 325 की एसएल लगा के अपडेट, अगेन ठोको, अगेन ठोको। ठीक है, एंड नीचे ठुकते ठुकते 20,975 ट्रिगर होना चाहिए, आपको 20,800 भी दिखेगा स्क्रीन पे। चलिए अब आते हैं बैंक निफ्टी पे, जिसने धमाकेदार पैसा बनाया है। देखिए, इसका जो गैप है वो फिल हो जाएगा 44,950, और मुझे लगता है कि वो आ जाना चाहिए आज या कल में। 44,950 वो है एक बहुत बड़ा सपोर्ट का जोन। अब जिस जो ऑपरेटर की चाल लग रही है, वो लग रही है मुझे बजट से पहले मार्केट को डाउन रखने की, और बजट वाले दिन कोई निर्मला कैंडल टाइप बनाने की जो बनती रही है फिलहाल। तो हो सकता है हम 44,500 तक बैंक निफ्टी को देख लें बजट से पहले। दीज आर माई व्यूज, दीज आर द थिंग्स विच आई एम सीइंग ऑन चार्ट। नाउ टू ट्रेड दीज व्यूज वी हैव टू फॉलो दी लेवल्स। बैंक निफ्टी में क्या है? बैंक निफ्टी में 45,500 अबव की क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए,
बी ऑन सेल साइड। क्या बोला मैंने, ये रहा, दैट्स इट। ये लाइन आपकी एसएल है, नीचे की तरफ भाई प्रॉफिट बुक करते चलिए। टेलीग्राम पे मैंने ऑलरेडी लेवल शेयर किए हुए हैं, बीच बीच में लॉट बुक करते चलिए। फ्रेश लेवल में ट्रेलिंग के साथ अपडेट करता हूँ, वो हिट होता है। जैसे मैंने बहुत सारे स्टॉक भी दे दिए आपको जो मुझे सबसे ज़्यादा खराब दिख रहे थे, ठीक है। ये तो मेंबर्स का चैनल है, ये रहा बैंक निफ्टी सेल। रिलायंस तो बहुत पहले सेल दिया है, 2750 का सेल दिया था रिलायंस में मैंने, ये रहा आप देख लीजिए 2640 आने वाला है। एक स्टॉक मैंने आपको और दिया है एक्सिस बैंक। मुझे ऐसा लगता है जिस दिन इसके रिजल्ट आएंगे ये अगले दिन बहुत ज़बरदस्त गैप डाउन से खुले, ऑलरेडी आपको प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। ये रहा 1110, ये इसका रेजिस्टेंस, और 1080 शायद आज ही दिखा दे। इस 1080 के नीचे क्लोज आ गया तो मुझे लगता है सारे टारगेट दिखेंगे और बहुत जल्द दिखेंगे। एक्सिस बैंक तो रडार पे रखिएगा, 1080 इज़ दी की लेवल। और टेलीग्राम पे आप नहीं है तो भाई लिंक उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जुड़ जाइए। यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्टॉक दिए हैं, L&T फाइनेंस होल्डिंग, मारुति, बहुत छोटे छोटे SL के साथ, बहुत छोटे छोटे SL के साथ, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।